मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, लाइक मेडिकल कॉलेज बारामूला, मेडिकल कॉलेज कठुआ, डोडा एंड राजौरी वॉज स्टार्टेड इन 2016-17 के बाद फिर 19 में क्लासेस स्टार्ट हुए। तो ये पहला बैच जो है वो पास आउट हुआ है इन सब कॉलेजेस में, अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, डोडा एंड राजौरी। दिस इज़ फेज़ वन ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस। इसके बाद और दो मेडिकल कॉलेजेस GMC उधमपुर और GMC हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर में आए हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट करने में फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत चैलेंजेस होते हैं, और जब मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ केयर में बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट्स नज़र आती हैं। जो चीज़ें पहले एज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होती थी, वो सब चीज़ें, तमाम चीज़ें, एडवांस प्रोसीजर्स और पेशेंट केयर और हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑगमेंटेशन की वजह से सिचुएशन इम्प्रूव्स ओवरऑल। वैसा ही आज मैं यहाँ देखता हूँ अनंतनाग में, चाहे बारामूला हो, चाहे कठुआ हो, चाहे डोडा हो या राजौरी हो, इन सब कॉलेजेस में द अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज़ फ्लोन इन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ मैसिव। आप देखते हैं कि मशीनरी इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट बहुत मैसिव स्केल पे हुई है, और इसका हमने एक एनालिसिस कराया था कि इन मेडिकल कॉलेजेस के स्टार्ट करने के बाद लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। तो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो प्रोसीजर्स पहले नहीं होते थे, अब वो प्रोसीजर्स बिकॉज ऑफ बीइंग मेडिकल कॉलेज वो इन हर जगहों पे होते हैं, एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स, एडवांस्ड प्रोसीजर्स इन अदर मेडिकल साइंसेस। इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं कि इसमें 50% वो बच्चे होते हैं जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, 50% वो बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ द स्टेट होते हैं। उन सब बच्चों के लिए ये उनकी आलमा माटा है, और वो जब वापस जाते हैं तो वो जम्मू कश्मीर के एम्बेसडर्स बन के जाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के सही मानों में रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, क्योंकि उनको जो इन 5 सालों में प्यार मिला है, शफकत मिली है, अफेक्शन मिला है और एजुकेशन मिली है, ये अपने आप में बहुत बड़ी गेम चेंजिंग इवेंट होती है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज जिसका आज पहला बैच पास आउट हुआ है, लाइक अदर मेडिकल कॉलेजेस, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे हैव ऑल दीज मेडिकल कॉलेजेस हैव परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली फिनोमिनली, चाहे अनंतनाग हो, बारामूला हो, कठुआ हो, राजौरी हो या डोडा हो। इन मैनी कॉलेजेस दे हैव डन मच बेटर देन मैनी अदर प्री एग्जिस्टिंग कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरिट की बेसिस पे बच्चे यहाँ आए और इन बच्चों ने यहाँ एक्सेल किया। मैं सब मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी को, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, बारामूला, डोडा, कठुआ एंड राजौरी की सब फैकल्टी मेम्बर्स को खराज तहसीन अदा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड अप्रिसिएशन फॉर द वंडरफुल वर्क दैट दे हैव डन इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ दीज किड्स हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड विद इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड हाउ दे हैव बीन ग्रूम्ड टू बी डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस विल नो डाउट इम्प्रूव, एंड all the faculty members are working very hard, the department of health and medical education is working very hard to ensure kis tarah se ek enabling ecosystem create kiya ja sake taki ye colleges qaumi satah pe highest ranks achieve kar sake apni medical education ke pas. ye ek bahut important cheez hai, maine ek hidayat ye jari ki hai ki tamam hospitals mein, tamam medical colleges mein ek पब्लिक रिलेशंस का सेपरेट विंग हो, क्योंकि लोगों के जो पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं, अल्टीमेटली हम सब का काम पब्लिक वेलफेयर वाला काम है, और हम सब यहाँ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर, पेशेंट केयर के लिए हैं। दैट इज़ आर फर्स्ट यार्डस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज़ आर फर्स्ट बैरोमीटर ऑफ परफॉर्मेंस। और जैसा आपने कहा, अटेंडेंट्स को कैंटीन का फुकदान है, उस बाबत जो भी कार्रवाई करनी होगी मैं गुजारिश करूँगा कॉलेज की इंतजामिया से और हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से, प्रिंसिपल मैडम से, कि इस बाबत ख़ास तवज्जो देते हुए वी शुड इमीडिएटली सी सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव टर्न इन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स, नॉट जस्ट इन अनंतनाग बट एवरीवेयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ अ टॉप प्रायोरिटी फॉर अस, एंड वील मेक श्योर कि आने वाले वक्त में देयर विल बी फैसिलिटीज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बट
अस्पताल की परफॉर्मेंस सिर्फ मशीनरी इक्विपमेंट से नहीं बनती है, आप वो परफॉर्मेंस देखिए कि इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस हाउ द डॉक्टर्स, हाउ द पैरामेडिक्स, हाउ द नर्सेज, हाउ द टेक्नीशियंस आर वर्किंग डे इन डे आउट टू मेक श्योर कि वो पेशेंट्स और पेशेंट्स की फलाहबंदी को मद्देनजर रखते हुए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, दिन रात इसी चीज़ में लगे रहते हैं। और मैं एतराफ कर रहा हूँ कि ये काम बहुत नोबल काम है और मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, करना चाहूँगा उन सब हेल्थ केयर वर्कर्स का जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करते हैं। बिकॉज इट टीचेस द स्टूडेंट्स यूनिटी, ऑल इंक्लूसिवनेस, ऑल ऑफ देम गेट टुगेदर, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ideas, activities from whichever background, whichever state they come from. There's an exchange of ideas. The idea is simply unity, that all inclusiveness, exchange of cultural activities. That is what it is all about. To know about a different background, different cultural backgrounds, ethnics, backgrounds, हमको different students का पता चलता है. And most importantly, by this they become, there is a sort of a bond of unity when they perform these activities together. That is the whole idea about. जिनका farewell है, that is 2019 batch. और जो ये freshers है, this is 2023 batch. Actually, so hum, the thing is we are celebrating the entry of this 2023 batch, and we are celebrating the first outgoing batch. Why we celebrated, this is the first time itne level ka this celebrations of farewell and freshers day has been done in GMC Anantnag. At least the idea is because also at the same time this will be the first outgoing batch. And we want to give them this message that apart from teaching them the art of saving lives, they are also taught humanity. They have to save lives along with that. With them, we have taught them humanity and kindness. First of all, the congratulations to them, the new entrants, for this is a magnificent journey. At the same time, it is also a very difficult journey, and they have to go through a lot of rough patch during this, but of course at the same time I congratulate them also, because they are learning an art where which at the expense of a lot of their own selves, I would say. आज का जो प्रोग्राम है, ये फ्रेशर्स कम फेयरवेल इवेंट है, जो हमारा बैच है, फाइनल ईयर का बैच है, वो इस साल इंटर्न्स की सूरत में बाहर आ रहे हैं। मतलब हम सोसाइटी को और 100 डॉक्टर दे रहे हैं। इस साल से जीएमसी अनंतनाग में 100 डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। उस मामले में आज उनके लिए हमने हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। दैट्स इट। मैं तो समझता हूँ कि हर एक कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो इन प्रोग्राम्स में हम क्या, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एथलीट कौन सा था बेस्ट इस साल का, एजुकेशन में सबसे बेस्ट किसने एक्सेल किया, इन चीज़ों को देख के जो जूनियर बैचेस होते हैं वो भी अपने आप को समझते हैं कि अगर इस साल इसको मिला है तो अगले साल मुझे मिलना चाहिए, तो वो भी इससे बहुत सीख मिलती है उनको। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। बेसिकली आज खुशी का दिन है पूरे साउथ कश्मीर के लिए। आज जो हमारा पहला MBBS बैच है, जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था, वो आज ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ में जो नया बैच है 2024 का, उनका भी एडमिशन हो रहा है। तो उसी के हवाले से आज हमने फ्रेशर्स कम फेयरवेल पार्टी रखी थी।